बुरहानपुर के कमल टॉकीज क्षेत्र में महिला मंडल की ओर से 10 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़कर 70 महिलाओं के द्वारा देश की सबसे बड़ी राखी का निर्माण किया गया। उन्होंने 1.5 बाई 1.5 की यह राखियाँ बनाई है जो लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसमें मुख्य बात यह है कि इसको केले के रेशे से महिलाओं ने अपने हाथों से बनाया है। मशीन के द्वारा बनाई गई राखियाँ भी इन महिलाओं के हाथों से बनाई हुई राखी के पीछे फीकी नजर आ रही है। महिला मंडल अध्यक्ष किरण रायकवार ने 1.5 बाई 1.5 की बनाई हुई इस राखी को देश की सबसे बड़ी राखी भी घोषित की है। अब वह इस राखी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और देश के वरिष्ठ नेताओं को रक्षाबंधन पर भेंट करेगी। महिला मंडल की संध्या कदवाने ने बताया कि 70 महिलाओं ने मिलकर देश की सबसे बड़ी राखियों के साथ 25 वेराइटी की राखियाँ बनाई है। इन महिलाओं के द्वारा बनाई गई राखी की आसपास के क्षेत्रों के साथ महाराष्ट्र में भी डिमांड है। अब महिलाओं को इससे रोजगार भी मिल रहा है। महिलाओं ने आजीविका मिशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किया था जिसके बाद अब राखियाँ बना रही है। कानपुर में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के माध्यम से 70 महिलाओं को केला फाइबर की ट्रेनिंग देकर राखी मेकिंग सिखाई गई और देश के सर्वोच्च पद पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी के लिए देश की सबसे बड़ी राखी बनाकर उनको हमने भोपाल में गिफ्ट करी।